सुप्रभात बच्चों, बर्गनौ में दो खंड हैं क्षितिज के, गद्य भाग और पद्य भाग। पिछले एपिसोड में गद्य भाग की चर्चा हुई थी। यह पद्य भाग का पहला व्याख्यान है। पहला पाठ है कबीरदास की साखियां व सबद। साखिया में सात दोहे हैं। आज हम तीन दोहों का व्याख्यान करेंगे। इसमें सबसे पहले कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उरी अनत न जाही। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर दास जी पहले तो सीधे सीधे अर्थ लगाते हैं और उसके अंतर्गत जो बात उभर के आती है, जो उनका मुख्य उद्देश्य है इस पंक्ति के माध्यम से कहने का, इन दो बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले तो कहते हैं कि मुक्ता मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर एक ऐसा झील है, एक ऐसा तालाब है जिसका जल अमृत के समान है, सुभर जल है। और नीर क्षीर विवेकी जो हंस होते हैं वो वहां पर निवास करते हैं और उनका प्रिय आहार है मोती। इसलिए उस प्रिय आहार को छोड़ करके कहीं और जाने की बात नहीं करते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वे उनका प्रिय आहार है मोती और उसको वो चुगते हैं और वहीं परे रहते हैं। इसलिए अन्यत्र कहीं जाने की उनकी चाह ही नहीं होती। अब उड़ी अनत न जाहे, इसलिए वे उड़ करके कहीं और जाने की सोचते ही नहीं है। अर्थात इसके आर में कहते हैं कि जिस प्रकार मोती और सुंदर मोती बहुतायद संख्या में मानसरोवर के झील में पाया जाता है, इसलिए वहां अधिकाधिक रूप से हंस वहां अपना निवास करते हैं। तो जिस प्रकार वो हंस अपने प्रिय को छोड़कर कहीं और जाने की बात नहीं सोच सकते, ठीक उसी प्रकार भक्त अपने भगवान से प्रेम करता है और भगवान को छोड़ करके कहीं और ध्यान लगाने की वो सोच भी नहीं सकता है। जैसे हंस मोती के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे वहां अपने निवास स्थान को छोड़ते नहीं हैं। तो उसी प्रकार के कहते हैं कि भक्तों को परम आनंद की प्राप्ति होती है
ईश्वर से प्रेम करने के कारण, ईश्वर में अपनी आस्था को लगाने के कारण, तो वे सांसारिक मोह लोभ से मुक्त होकर मुक्ति का आनंद लेते हैं। इसी कारण वे इसे अन्यत्र छोड़कर जाने की बात नहीं करते हैं। ये तो हो गई पहले दोहे की व्याख्यान। दूसरे दोहे में कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। सीधे सीधे अर्थ अगर लगाते हैं तो कहते हैं कि मैं परमात्मा के नाम से प्रेम करने वाले अपने जैसे किसी प्रेमी को खोज रहा हूं। आप सब जानते हैं कि भक्त कवि थे कबीरदास। भक्त कवियों की कई कई नाम है, सूरदास, मीराबाई, रहीम, रसखान, रैदास, अनेकों नाम है इस भक्त कवि की परंपरा में। तो कबीर दास कहते हैं वे तो भक्त हैं, तो कहते हैं कि मैं तो ईश्वर से परमात्मा से प्रेम करने का प्रेम करने की चाह रखता ही हूँ, अपने जैसे प्रेमी को मैं ढूंढ रहा हूँ, और भी दुनिया में इस तरह के प्रेमी मिल जाए। तो कहते हैं कि जब एक भक्त को दूसरा मिल जाता है तो उसके लिए संसार की सभी विषय वासनाएं मिट जाती हैं। और कबीरदास जी ढूंढने के लिए चलते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई। उनको प्रेमी कोई मिल ही नहीं रहा। अब प्रेमी को प्रेमी मिले जब तो उनका विषय, जब एक भक्त को दूसरा भक्त मिल जाता है तो प्रेमी को प्रेमी मिले, ये कहने का तात्पर्य हो जाता है। एक भक्त को जब दूसरा भक्त मिल जाता है तब क्या होता है कि सब विष अमृत होई। जितनी भी प्रकार की व्याधियां हैं वे सब विष के समान हैं और वे सब मिट जाती हैं। अमृत का काम है विष को निष्प्रभाव कर देना। तो ये वासना, विषय वासना रूपी जो विष है ये सब समाप्त हो जाता है और सब अमृत के समान हो जाती है। ठीक उसी प्रकार कि जब प्रभु प्रेमी को अपने जैसा प्रभु प्रेमी मिल जाता है तो उन दोनों की प्रभु भक्ति परिपक्व हो जाती है। एक और एक दो की संख्या बड़ी हो जाती है। एक भक्त दूसरे भक्त को जब ढूंढ लेता है और दोनों भक्त की का लक्ष्य, दोनों भक्त का लक्ष्य एक ही होता है, ईश्वर की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति, तो वह उन्हें प्राप्त हो जाती है और उनके जितने भी दुर्गुण हैं जो विष के समान है सब अमृत हो जाते हैं, यानी कि इस सांसारिक मोह माया से वे विरक्त हो जाते हैं और ईश्वर की, ईश्वर में लीन हो जाते हैं। इस दोहे का यही भाव है। अंतिम और तीसरा दोहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, आ सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। कहने का अभिप्राय है
कि ये सारे संसार के जितने भी संसारी हैं, लोग हैं, मानव हैं, सब ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वरूप स्थिति का गलीचा डाले हुए है। यह संसार अज्ञानी है और यह कुत्ते के समान है। अब कुत्ते के समान क्यों है? इसलिए कि कुत्ता बेमतलब का भी भूखता रहता है, भौंकता रहता है, जैसे भौंकने के सिवाय दुनिया में, संसार में उसे और कोई काम ही नहीं है। इसलिए कबीर दास जी वैसे लोगों को कुत्ते की संज्ञा से विभूषित करते हैं कि वे लोग जो ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाते हैं तो ना समझ लोग भूखते रहते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, उनकी निंदा करते हैं। तो ये अज्ञानी लोग जो हैं संसार में, ये कुत्ते के समान भूखते रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, वह ज्ञानी जैसे हाथी पर सवार व्यक्ति को कुत्ते के भूखने का कोई मलाल नहीं रहता, कोई चिंता नहीं सताती। उसी प्रकार कहते हैं कि आप ईश्वर की आराधना में लगे रहिए। जो अज्ञानी है वो आपको हो सकता है पागल भी कह दे। इसलिए जो ज्ञानी है वे उस हाथी पर सवार व्यक्ति के समान है, और जो आरोप लगाने वाले हैं, जो निंदा करने वाले हैं, वे उस कुत्ते के समान हैं। तो जिस प्रकार हाथी पर चढ़ने वाला व्यक्ति कुत्ते के भूखने का कोई ध्यान नहीं करता, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी लोगों के कहने का, निंदा करने का, व्यंग बोलने का कोई परवाह नहीं करते। इस तरह से वे अपना समय बेकार नहीं करके अपने प्रभु भक्ति के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाते हैं, सदा अपना मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। यही जो है कि ये साधकों के बारे में कबीर दास जी ने इस तरह की बात कही है कि जो वास्तव में साधक हैं, जो प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं, वे अज्ञानी लोगों के किसी के कहने का कोई बुरा अर्थ नहीं लगाते और ध्यान भी नहीं देते, वे अपना काम करते रहते हैं। यही इस कहानी का मूल भाव है। इसी प्रसंग के साथ फिर दूसरे पार्ट में यह समझ लीजिए कि हम लोगों का भाग एक है। ये समझ लीजिए कि यह भाग एक है। अब भाग दो में इसका बाकी दोहा का व्याख्यान होगा। धन्यवाद।